नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग राजद कार्यालय में थे और राजद कार्यालय में एक बड़ी वरीय स्तर पर मीटिंग चल रही थी, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे और राजद प्रवक्ता चित्रंजन गगन जी, एजाज अहमद और बड़ी संख्या में राजद कार्यकारिणी की समिति के साथ साथ कुछ विधायक दल के नेता भी थे और कुछ विधायक भी थे, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी बातों को रखी और माननीय शिक्षा मंत्री जी उस समय मीटिंग में थे तो उनसे बात नहीं हो पाई, पर चित्रंजन गगन जी से बात हुआ। और मीटिंग के बाद जब वो निकले तो सीधे तौर पर बोला कि चुपचाप तैयारी करो आप लोग, क्योंकि भावी शिक्षक हो, राष्ट्र निर्माता हो, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी हरकत करने से हम लोग नियमावली वापस लेने नहीं जा रहे हैं, बड़ी संख्या में हम लोग बहाली कर रहे हैं, आप लोग अपना पढ़ाई और तैयारी पर ध्यान दीजिए। और सिलेबस के बात पे चित्रंजन गगन जी ने कहा कि हम लोग इसी पे लगे हुए हैं, बहुत जल्द आप लोगों का सिलेबस आ जाएगा और इस महीना के अंत में आप लोगों का कुछ नया देखने को भी मिलेगा, हो सकता है कि आप लोगों को बहाली आ जाए, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, ये आंदोलन से अब कुछ होने वाला है नहीं। और हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में शिक्षित लोग शिक्षक बने, ताकि बिहार के युवा जो हैं वो ठगी हुई महसूस न करें। इस प्रकार से और भी अपनी बातों को उन्होंने रखा और मैं आप लोगों को बता दूं, सिलेबस के तर्ज पर उन्होंने कहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, भिन्न हर चीज़ से भिन्न नहीं होगा, लेकिन 20 तारीख के बाद में कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये चित्रंजन गगन जी ने कहा है। और शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि आप लोग चुपचाप परीक्षा की तैयारी करो, ये बात कहीं ना कहीं एक सोची समझी बात कही है उन्होंने, क्योंकि चुपचाप तैयारी करने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी हाल में वे सुपर टेट से पीछे हटने का नाम नहीं लेने जा रहे हैं, क्योंकि सुपर टेट होना था। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि बड़ी मात्रा में बहाली है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि साफ सुथरा बहाली हो, किसी प्रकार का कोई अरफा तरफी और गंदगी का माहौल ना हो। तो आप लोग पढ़ाई करो और चुपचाप परीक्षा की तैयारी करो, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, क्या होनी है क्या नहीं होनी है, और हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में बहाली करने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं कहूँगा साथियों कि इस महीना के अंत तक आप लोग वेट कर लीजिए, अगर इस महीना के अंत में सिलेबस जारी नहीं होता है तो फिर सिलेबस के लिए भी उतरा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज राजद कार्यकारिणी की बैठक की गई उसमें इस मुद्दा को काफ़ी गंभीरता से लिया गया होगा कि क्या कुछ शिक्षक बहाली को लेकर के करना है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, चाहे कोई भी हो, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बाई द कुछ नंबर के लिए हम लोग रह जाते हैं तो BPSC दोष नहीं होगा, दोष हम लोगों में होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपना समय पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है और सच को मानना भी चाहिए कि हम लोगों ने तो लाख प्रयास किया, कोशिश भी किया, और देखिए हमारी संख्या कहने में तो 2.5 लाख 2 लाख लगती है, लेकिन सड़क पर जब नियमावली को विरोध करने की बात आई तो यहाँ पर मात्र 1.5 से 2 हज़ार लोग थे, यानी 1.5 से 2 हज़ार लोग कहीं विरोध करना था क्या? आप इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात से और मजबूती मिली है कि मात्र इतने लोगों में 1.5 से 2 हज़ार वाले ही विरोध वाले हैं, बाकी सब तो राजी हैं, तभी तो नहीं आए हैं ना। तो चलिए इतना ही, जो कुछ भी होगा आप लोगों के बीच में मैं अपडेट करूंगा, और आज हो सकता है तो चित्रंजन गगन सर से सिलेबस पर बात भी किया जाएगा, शाम में सचिवालय भी जाना है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक पटना में रहेंगे हम लोग अपना हर एक न्यूज़ के जरिए आप लोगों को तो संदेश देंगे। और मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, बस चुपचाप आप भी तैयारी में लग जाइए, इसी में सबका भलाई है, क्योंकि सुपर टेट अटल सत्य है, ये होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।